अजीज जोन को हमने जो बनाया ना दोस्तों, अजीज जोन को एक ही टॉपिक पे बनाया, भरोसे पे बनाया। अजीज जोन पे जब भी मेहनत की, लोग विश्वास करते हैं, काम करते हैं। आज मैं आपको बात करूंगा कि अपना बिजनेस भरोसा कैसे बढ़ाएं ग्राहकों के साथ। मेरे पास एक कस्टमर आए थे, बोले अजीत भाई आपने इसका तो रेट बहुत ज्यादा ले लिया। मैंने कहा सर कितना ले लिया? बोले अजीत भाई 450 रुपये आपने तो बहुत ज्यादा बोला। मैंने कहा सर कितना ज्यादा बोला, इसका कितना कर दूं तो आप बोलोगे सस्ता है? मैंने बोला कितना कर दूं तो आप इसे बोलोगे सस्ता है? अगर वो 450 वाला आइटम मैं उनको 350 में दे दूं, मैंने उनको पूछा क्या 350 में दे दूं, तो वो बोले अजीत भाई 350 में दे दो सस्ता। मैंने कहा फिर कोई मुझे बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि ये 350 महंगा है, ये गारंटी ले रहे हो आप? बोले ये तो नहीं ले सकता। तो ये अपने डीएनए में है, अगर वो चीज मैं 200 में ले जाके बोलूंगा तो भी ग्राहक बोलेगा 150 लगाओ, अगर वो चीज मैंने 150 में लगा दी तो ग्राहक बोलेगा 100 में। आ रहे हो, आपने जैसा देखा वीडियो पे वैसा यहाँ मिला माल? नहीं, एक्चुअली मुझे तो मोस्टली ऐसे ही मिला है। ऐसा ही मिला। और दूसरा चीज क्या है कि जितना वीडियो में कलेक्शन दिखता है, आप इधर आओगे जी तो उससे कहीं ज्यादा दिखता है। आपसे भी पूछना चाहूंगा क्योंकि महिलाएं, हमारा अजीत जोन बनाई महिला दिवस पे ही है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा जैसा आपके मन में ख्वाब था, जैसा ऐसा विश्वास था, जैसे हम रेट टैग लगा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे आपने रेट टैग देखा होगा, उससे आपको क्या बिलीव हुआ अजीत जोन पे? रेट टैग जो आपने लगा तो वो अच्छा लगा या खराब लगा? नहीं, अच्छा है। अच्छा लगेगा। आप जब तक इनफ नहीं बोलोगे तब तक वैरायटी दिखाएंगे? इतनी वैरायटी है, बहुत है। तो वो भरोसा आपको हुआ अजीत जोन पे? बहुत ज्यादा ही है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आपका सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों बिजनेस बड़ा कब होता है? बिजनेस बड़ा तब होता है जब लोग आप पे भरोसा करते हैं। और आदमी का व्यापार जब वो जीरो होता है, जब भरोसा टूटता है। ये कारवा है दोस्तों, ये कारवा बढ़ता जाएगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, अगर ये कारवा कम होगा तो आपका बिजनेस भी नीचे आएगा। तो मैं आज भरोसे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी बिजनेस आप जमाते हो, जब हमने शुरुआत 140 स्क्वायर फीट से की थी तब हमने भरोसा जीतने की कोशिश की। पहला भरोसा दोस्तों कि आप रेट मेंशन करके रखो जो भी माल बेचते हो। कई लोग बोलते हैं कि सर हम फिक्स रेट रखते हैं तो हमारे ग्राहक डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्राहक कम। मैं नो डाउट वो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस फिक्स रेट को कंटिन्यू रखोगे तो लोग 6 महीने बाद में आपको विश्वास भी करेंगे, नहीं यार इनका रेट रीजनेबल है, फिक्स है। बार्गेनिंग करोगे तो आप अपनी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। तो मैं आज भरोसा और बार्गेनिंग, इन दोनों चीजों पे आज ये वीडियो डालने वाला हूं दोस्तों। कारवा हमारे साथ जुड़ता गया। आज अजीत जोन को हमने जो बनाया ना दोस्तों, अजीत जोन को एक ही टॉपिक पे बनाया, भरोसे पे बनाया। अजीत जोन पे जब भी मेहनत की, लोग विश्वास करते हैं, काम करते हैं। आज मैं आपको बात करूंगा कि अपना बिजनेस भरोसा कैसे बढ़ाएं ग्राहकों के सामने, उस पॉइंट पे बात करूंगा। उससे पहले मेरे पास कस्टमर भी बैठे हैं, मैं 2 मिनट एक बात करवाऊंगा ग्राहकों से, किस टाइप से है, क्या है, क्या है। सर नमस्कार। सर कहाँ से आ रहे हो? लखनऊ से। बैठिए सर। लखनऊ से आ रहे हो, आपने जैसा देखा वीडियो पे वैसा यहाँ मिला माल? नहीं, एक्चुअली मुझे तो मोस्टली ऐसे ही मिला है। ऐसा ही मिला। और दूसरा चीज़ क्या है कि जितना वीडियो में कलेक्शन दिखता है, आप इधर आओगे जी तो उससे कहीं ज़्यादा दिखेगा। यानी हम वीडियो पे बोलते हैं इनफ, यानी मैं क्या चाह रहा हूँ सर, मैं आज एक वीडियो टॉपिक बना रहा हूँ, मैं अभी लाइव, मुझे नहीं लगा मैं आपसे क्या पूछूंगा क्या नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट था मेरे पास कि कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है, चाहे आप अपनी दुकान कर रहे हो, जब तक लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते, लोगों पे अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप माल नहीं बेच पाओगे। भरोसा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने मुझे देखा नहीं, मुझे जानते नहीं थे, ना मेरे से बात की थी, और एक वीडियो क्लिपिंग देख के उस भरोसे से यहाँ तक पहुंचे आप लोग, वो भरोसा अजीत जोन पे कायम है। जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा वैसा पाया।
एक्चुअली क्या है कि अगर मैं सच बताऊं कि मुझे तो मतलब उससे कहीं ज़्यादा अच्छा दिखा। जी जी, क्योंकि आप वीडियो में जब आप 2 मिनट की 10 मिनट की क्लिप देखते हो तो उस वीडियो में एक्चुअली हम पूरी चीज़ें वो देख नहीं पाते हैं। जी, आप अगर कोई कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़ा क्या है आपने तो बता दिया, सिफोन है, सिल्क है, क्या जी, है जी, लेकिन जब हम उसको फील करते हैं जी, तब जाके हमें समझ में आता है हाँ एक्चुअली ये क्या है जी, और हमको क्या चाहिए और आपने हमको क्या बताया क्या वीडियो में। जी जी, तो सर वहाँ से यहाँ तक आए आज अजीत जोन पे आपका भरोसा बढ़ा या कम हुआ? नहीं नहीं, भरोसा बना है। एक्चुअली क्या है, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि यहाँ आने के बाद जो मैंने सोचा था जी कि मुझे क्या क्या लेना है और क्या क्या होना चाहिए, मेरा क्या फर्स्ट टाइम है जी, तो मुझे एक्चुअली क्या ओवरऑल में देखा जाए तो 5 out of 5 मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि महिलाएं हमारा अजीत जोन बना ही महिला दिवस पे ही है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा जैसा आपके मन में ख्वाब था, जैसा ऐसे विश्वास था, जैसे हम रेड टैग लगा रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट पे आपने रेड टैग देखा होगा, उससे आपको क्या बिलीव हुआ अजीत जोन पे? रेड टैग जो आपने लगा तो वो अच्छा लगा या खराब लगा? नहीं अच्छा है। अच्छा, उससे क्या मन में लगा कि नहीं यार मैं मुझे ये चीज होनी चाहिए? नहीं है अच्छा है। और हिंदुस्तान के कई लोग दो दो रेट में काम करते हैं, रिटेल काउंटर पर और अलग अलग काउंटर पर, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एक रेट पे काम करना चाहिए या 2 रेट पे काम करना चाहिए? नहीं कोई बात नहीं सर, बताएंगे। सही बात तो है कि एक ही रेट पे काम करना चाहिए, एक ही रेट पे काम करना चाहिए। क्या होता है कि अगर जो हम बोलते हैं जो दिखता है वो दोनों मैच होगा। जी जी, अगर दोनों चीज मैच होगा ना तो हमारा क्या जो भरोसा होगा कि जो हम बोलते हैं ना जी, वो भरोसा हमारा और मजबूत होगा कि हमने जो बोला तो आपको दिखेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके कस्टमर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा और आगे जाओगे 100%, क्योंकि आपने जो बोला है वो दिख रहा है। जी जी, ऐसा नहीं कि अगर हमने बोला था कि 145 का है जी, और आने के बाद हमको क्या वो नहीं, हमने सर वीडियो में ऐसा बोला था लेकिन क्या आने के बाद उसके रेट थोड़े बढ़ गए जी, और हमारा क्या थोड़ा ऐसा हो गया, प्राइस बढ़ गया, ऐसा हो गया, मार्केट में कुछ नया आ गया है इसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, वो चीज़ नहीं। जी जी, है जो वो है जी, और वही ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। महिलाएं हिचकिचाते नहीं है, आप इसको भूल जाइए, एक सामने वीडियो बन रहा है, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, आप भूल जाइए कोई वीडियो बन रहा है आप पर, हम ऐसे ही बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मैडम महिलाओं की चॉइस अलग अलग होती है खूब सारी, तो यहाँ पर आपको चॉइस कैसी मिली? चॉइस तो बहुत सारी है, जितना आप चाहे उतना कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो पे, मैं भाई साहब सर से भी ऐसी बात पूछी थी, वीडियो पे हम इनफ बोलते हैं तो वैसी वैरायटी है? नहीं इनफ तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि आप जब तक इनफ नहीं बोलोगे तब तक वैरायटी दिखाएंगे, इतनी वैरायटी है, बहुत है, तो वो भरोसा आपको हुआ जी जोन पे? बहुत ज्यादा ही। ये कौन है सर? ये मेरी सिस्टर है। आपके सिस्टर है, तो यंग जनरेशन इनसे भी बात कर लेते। मैडम कैसा लगा कलेक्शन? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने रिव्यू दिया और हमारे कस्टमर को मोटिवेट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों एक भरोसा ऐसी चीज है वो टूटना नहीं चाहिए, व्यापार जब ही आपका आगे बढ़ेगा जब वो भरोसा नहीं टूटेगा। आज मेरे व्यापारी गए हैं, उनका माल पैक हो रहा है तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ पाऊँ, मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों क्या बिल देख रहे हो, ये कहाँ के कस्टमर हैं? ये हो गए जी बेंगलोर कर्नाटक, आप देख रहे हो बारीकी से कर्नाटक बेंगलोर, इनका कितने का माल है? 26,426। यानी ये जो माल लिया वो इनका भरोसे में माल जावे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हम ये जो माल दे रहे हैं ये देखिए, जो उन्होंने लिया वही पैकिंग में, वही चीज़ें कवर में, जैसा लिया वैसा जावे, ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए। यही सिद्धांत में हम काम कर रहे हैं, इसी सिद्धांत में हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा था रेड टैग की। दोस्तों रेड टैग से पहला इंप्रेशन है कि ग्राहक जितने भी आते हैं आपके पास उससे आपका भरोसा बढ़ेगा। आप जब भी अपनी दुकान करते हो दोस्तों एक रेड टैग एक सिस्टम पे रहिए, नो डाउट हमें हिंदुस्तानियों के डीएनए में भाव करना है, हम भाव करे बगैर कोई चीज लेते नहीं है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी यंग जनरेशन जो तैयार हो रही है वो फिक्स रेट पे विश्वास कर रही है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट हमें पढ़ाया नहीं जाता। आज की 80% लोगों को जानकारी नहीं है, तो जिन्हें जानकारी नहीं है उनमें से 40-50% मेरे जैसे होते हैं जो सोचते हैं जहाँ फिक्स रेट होती है वहां से ले लेते हैं। चाहे मुझे बर्तन लेना है, चाहे जींस लेनी है, चाहे कपड़ा लेना है, चाहे साबुन लेनी है, चाहे कुछ भी लेना है, फिक्स रेट पे वो भरोसा ज्यादा करते हैं क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर आप फिक्स रेट में व्यापार करते हो तो आपका बिजनेस लंबा जाने का चांस ज्यादा है। दूसरी चीज दोस्तों महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमारे डीएनए में बार्गेनिंग है। मेरे पास एक कस्टमर आए थे, बोले अजीत भाई
आपने इसका तो रेट बहुत ज़्यादा ले लिया। मैंने कहा सर कितना ले लिया? बोले अजीत भाई 450 रुपये आपने तो बहुत ज़्यादा बोला। मैंने कहा सर कितना ज़्यादा बोला, इसका कितना कर दूं तो आप बोलोगे सस्ता है? मैंने बोला कितना कर दूं तो आप मुझसे बोलोगे सस्ता है? अगर वो 450 वाला आइटम मैं उनको 350 में दे दूं, मैंने उनको पूछा क्या 350 में दे दूं, तो वो बोलेगा अजीत भाई 350 में दे दो सस्ता। मैंने कहा फिर कोई मुझे बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि ये 350 महंगा है, ये गारंटी ले रहे हो आप? बोले ये तो नहीं ले सकता। तो ये अपने डीएनए में है, अगर वो चीज मैं 200 में ले जाके बोलूंगा तो भी ग्राहक बोलेगा 150 लगाओ, अगर वो चीज मैंने 150 में लगा दी तो ग्राहक बोलेगा 100 में, अगर वो चीज मैंने 50 में बेचना 450 वाली 50 में बेच रहा हूं तो बोलेंगे साला चोरी करके लाया है, इसको 25 में ले। यानी मैं फ्री में भी दूंगा तो वो चार बार सोचेंगे ये फ्री क्यों दे रहा है, इसको कहीं से दो फ्री मिल रहे हैं इसलिए अपने को एक फ्री दे रहा है। तो हिंदुस्तान के डीएनए में ये चीज है दोस्तों, तो इस चीज से घबराइए मत, ये तो चलता है, नॉलेज नहीं होती, जबान में हड्डी थोड़े होती है दोस्तों। वो 400 का 200 भी बोल के जाएगी जाने दो ना, एक बार जाएगा खाली, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, लेकिन जिस दिन अपना सिस्टम समझेगा, ऐसे हजारों व्यापारी मेरे यहां से खाली गए हैं और उनमें से 998 ग्राहक जुड़े हुए हैं, वापस आके जुड़े हैं क्योंकि उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं यार बंदे का रेट फिक्स है, गलत काम नहीं करेगा। जो बिजनेस है, जो हक्का है, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, जो हक्का है वो चाहिए, एक्स्ट्रा एक रुपए भी किसी का नहीं चाहिए। अगर ये सिस्टम अपने धंधे में, चाहे कोई भी बिजनेस हो उसमें अपनाते हो, घूम के आना है हर चीज को, बोलते ना सच को कितना ही दबा लो छाती फाड़ के बाहर आता है या जमीन फाड़ के बाहर आता है, उसका कारण सच को दबाया नहीं जा सकता। वैसे ही आपकी रेट टेक और आपकी दुकान की सिस्टम को कोई दबा नहीं सकता, कितने ग्राहक खाली जाएंगे लेकिन लास्ट में घूम फिर के एक बार वापस आएंगे, नहीं बंदे का रेट फाइनल है। अगर इस सिद्धांत से व्यापार करोगे तो बहुत लंबे जाओगे दोस्तों। ऐसे ही मुझे लगा कि एक इंटरव्यू दूं आपको और इस टाइप से इस टॉपिक पे बात करूं आगे आपके सामने। ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट पे अपने दुकानों के बारे में सोचते रहिए दोस्तों, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में जो कुछ करना है वो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कोई टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। We'll be right back.